आप खुद अपने हाथों से अनजाने में ही सही शनि लाते हैं अपने घर में। शनि काल पुरुष का दुख माना गया है, तकलीफ माना गया है, कष्ट माना गया है, और जाने अनजाने, जाने तो नहीं कहेंगे, अनजाने में ही आप अपने घर में अपने हाथों से ही शनि की चीज़ ले आते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जानकारी बहुत खास है, मिस मत करना। आज इतनी सटीक जानकारी आपको देने वाली हूँ जो आपको गदगद कर देगी, हैरान कर देगी, और कुछ लोगों को परेशान भी कर सकती है। और हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, शनि के नाम से ही सब कांपते हैं। शनि कितनी दुर्दशा कर सकता है ये आपको पता ही होगा। शनि जिस पर प्रसन्न होता है उसका क्या हल करता है, और जिसको नापसंद करता है उसको किस तरह के दुख देता है, ये आप भली भांति परिचित हैं, गुणीजन हैं। लेकिन आप इंटेंशनली खुद अपने घर पे शनि ले आते हैं, क्या है वो चीज़ें जो आपको नहीं लानी चाहिए? शनिवार के अलावा किसी भी दिन नहीं लानी चाहिए। शनिवार को तो लानी ही नहीं चाहिए, लेकिन शनिवार के अलावा भी किसी दिन आप लाते हैं उन चीज़ों को अपने घर में, तो आपके घर में शनि चढ़ता है। शनि यानी दुख, तकलीफ, कष्ट। आगे नाम नहीं लेंगे क्योंकि आगे और भयानक नाम है, जो आप नहीं सुने तो अच्छा है। इशारों में समझ जाइए कि हम क्या आपको कहना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, पूरा देखना। आपको बागवानी का बहुत शौक़ है, और आप ऐसे कई फूल होते हैं जिनके बीज काले होते हैं, आप पैसे बचाने के चक्कर में वो बीज अपने घर में ले आते हैं जो भयंकर काले हैं। कई हमने पुष्प देखे हैं जो तांत्रिक क्रियाओं के काम में आते हैं, लेकिन उनके बीज बेहद काले होते हैं। आप अपने घर में लगाने के चक्कर में वो बीज ले आते हैं, जान पहचान वालों से भी ले आते हैं, अनजाने में भी ले आते हैं, नर्सरी में चुपके से भी ले, नर्सरी से चुपके से भी ला सकते हैं। तो ये शनि की कारक वस्तुएं होती हैं और आपको घर में नहीं लाना चाहिए। जब भी आप ग्रो करें किसी भी सीड को, वो सीड आपका अपना ही खरीदा हुआ होना चाहिए, तभी आपको शनिकृत दोष नहीं चढ़ता है। तो आप अपने हाथों से ही शनि को ले आते हैं घर में, और आपको पता ही नहीं चलता आपने क्या गजब का गलत काम कर लिया है। कैक्टस के पौधे आसानी से लग जाते हैं, डाल तोड़ के भी लग जाते हैं, और कांटेदार पौधों में शनि का वास होता है। तो अपने घर पे कभी भी कैक्टस नहीं लाएं, रिश्तेदारों के यहाँ से भी या किसी भी जगह से। हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो चुपके से प्लांट नर्सरी से कैक्टस का एक डाल तोड़ लेती हैं और अपने घर में ला के लगाती हैं। ऐसा करने से शनि चढ़ता है, और शनि आपको कष्ट दे सकता है, दुख दे सकता है। आपकी कुंडली में शनि कारक है या नहीं है तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। किसी को भी शनि की कारक चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, ये बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पूरा का पूरा घर बर्बाद होता है एक छोटे से लालच की वजह से। हमने एक वीडियो इस पर पहले बनाया था कि हमने बताया था कि कोई आपके घर ये चीज़ छोड़ जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, शनिचर आप पर चढ़ सकता है। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उस वीडियो को पूरा देखना अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है। शनि से संबंधित हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं जो आपका मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं। तो काले बीज आपको किसी भी कीमत पर नहीं लाने चाहिए, किसी के यहाँ से भी मुफ्त में, पैसे देकर भी नहीं लाइए। आप ऑनलाइन मंगा लीजिए ना, क्या कमी है आपके यहाँ, दुख से तो अच्छा है ना। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये गलती करने से आपके जीवन में दुख आने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हमारे घर में ऐसा क्या हो गया, तकलीफ क्यों आ गई, कष्ट क्यों आ गए। तो इनसे निजात पाने के लिए अगर आप भी ये गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, कभी भी चुपके से बीज ना लाएं काले रंग के, इससे आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच।